आज की जो प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं जी, क्या विषय है, क्या कारण? सबसे पहले तो नमस्कार सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को। और आज हमारा प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य तीन तारीख को जो हमारी शपथ समारोह है सीआई इंचार्ज का, उसको लेके आज हमारी एक तैयारी मीटिंग ब्लॉक इंचार्जों की बुलाई गई है और उसमें सभी साथियों को जिम्मेवारी मिली है कि हमारे जो सर्कल इंचार्ज हैं वो अपने साथ कम से कम 5 लोगों को लेके शपथ समारोह में पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी शपथ दिलाने के लिए सभी साथियों को पहुँच रहे हैं। और भिवानी में और उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवत मान जी 1 बजे भिवानी अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं। तो हमारे ज़िले से ज़्यादा पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के निष्ठावान सिपाही वहां हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। और हमारा जो अब करीब करीब 1 महीने पहले जो बिजली आंदोलन जो चला, उस बिजली आंदोलन के माध्यम से जब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव-गांव, शहर-शहर, गलियों में, वार्डों में जो पहुंचे, तो लोगों ने हरियाणा के बिल की तुलना दिल्ली और पंजाब के बिल, बिजली बिल से की। और उस आंदोलन को लेके, आम आदमी पार्टी का जो बिजली आंदोलन था, उस आंदोलन को लेके लोगों ने, हमारा एक ये बिजली आंदोलन जन आंदोलन साबित हुआ। और उसी के दौरान से जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सब घरों में, वार्डों में पहुंचे, तो हमारे वहाँ पे निष्ठावान कार्यकर्ता जो हमें सर्कल इंचार्ज बनाना था, वो लोग वहाँ पे मजबूत साथी पार्टी के लिए निकल के आए। और उन्हीं निष्ठावान लोगों को हमने 5 गांव का 1 व्यक्ति को सर्कल इंचार्ज बनाया है और उनको जिम्मेवारी दी है। उसी की शपथ के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी भिवानी में 3 तारीख को पहुँच रहे हैं। तो हमारा सभी साथियों से निवेदन है और पार्टी के सभी पदाधिकारियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में पहली बार मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां पे पहुंचेंगे। लगभग कितने लोग, अगर जिले की बात करें, महेंद्रगढ़ जिले से कितने लोग भिवानी कूच करेंगे? हमारे महेंद्रगढ़ जिले से करीब करीब हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पे पहुंचेंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि 1400 सर्कल इंचार्ज को मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। और आम आदमी पार्टी का पूरा प्रदेश में लगभग 4000 पदाधिकारियों का संगठन खड़ा हो गया। इतने छोटे समय में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपना एक मजबूत संगठन खड़ा किया है। और अगर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अपना लगभग दिसंबर तक 2 लाख पदाधिकारियों का संगठन आम आदमी पार्टी खड़ा करेगी। और यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में लोगों ने एक तरह से मन बना लिया अपना कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को मूलभूत सुविधा दे सकती है, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। आज आम आदमी को अपने रोजमर्रा के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। और आम आदमी पार्टी चाहती है कि हर आदमी के पेट में रोटी हो और गोद में पैसा हो, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन आम आदमी पार्टी करना चाहती है हरियाणा प्रदेश में। मैं तो आप सबके माध्यम से, पत्रकार साथियों, मीडिया के कर्मियों के बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की लोगों ने मन बना लिया है। क्योंकि आज जैसा सभी जगह एक आम आदमी को स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली पानी चाहिए, और आम आदमी पार्टी अगर 2024 में अगर हरियाणा में आती है तो लोगों को एक सशक्त शिक्षा का माध्यम, स्वास्थ्य और पानी, बिजली ये देगी। और आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी नेतागण, मैं ये कहूँगा, डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को जान रहे हैं, और ऐसी पार्टी को मौका देना चाहिए। मौजूदा स्थिति में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? मौजूदा स्थिति हरियाणा में आप देख सकते हो, कानून व्यवस्था बिल्कुल तहस नहस है। कोई किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा सकता, चाहे वो हमारे जिले का हो या पूरे हरियाणा का हो। कभी नू की घटना देखते होंगे, कभी आप इससे पहले भी रोहतक में देखा है आपने। तो बीजेपी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूर्णतः विफल रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हरियाणा में एक सशक्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। अक्सर जब मुख्यमंत्री के दौरे होते हैं तो आप पार्टी के जो नेता हैं वो अंदर होते हैं, क्यों?
ये सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से अंदर होते हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिन्हें हरियाणा में वहां घुसने नहीं दिया जाता, वो हमारे दक्षिणी हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ को खासकर वो यहां चूज करते हैं, क्योंकि यहां वो समझते हैं कि यहां के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को छोड़ के अन्य किसी भी पार्टी के नेता विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते, कोई उनसे सवाल जवाब नहीं करता, केवल आम आदमी पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता है जो उन मुख्यमंत्री हो या सरकार से खुल के सवाल पूछता है, अपने हक और अधिकार की बात करता है, इसलिए उनके पीछे ये कानून का पेच लगा के उनको अंदर करने की कोशिश करते हैं, जो गैर कानूनी है। बहुत ही संक्षिप्त में कि आखिर जनता आपको क्यों चुने? हम ये कहते हैं कि किसी भी सरकार को चुनने से पहले उसे क्यों चुने ये पता होना चाहिए। इसके लिए हम जनता के बीच विकास के मुद्दे को लेके जाते हैं। हम अभी बिजली आंदोलन के तहत गए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन हमने सबूत के साथ गए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। जैसा दिल्ली में और पंजाब में सरकार में आए, उससे पहले फ्री बिजली देने का वायदा किया था, जैसे ही हम सरकार में आए फ्री बिजली की है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब बेहतर किया है। हमारे दो राज्यों में सरकार है, तो निश्चित तौर पे हरियाणा में भी जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे इन सब पे एक दुरुस्त और बहुत अच्छी सुविधा आम आदमी को दी जाएगी।